हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तीसना, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस प्लांट, गुजमेनिया हाउस प्लांट केयर। इस प्लांट को मैं जब घर में लाई थी, दो साल हो गए हैं, लेकिन मैं इस प्लांट की बारे में आप लोगों के साथ शेयर आज तक नहीं किया है, लेकिन आज शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुजमेनिया प्लांट हाउस प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, इजी टू केयर। आज एक दिन केयर लेने के बाद आप बहुत दिन तक केयर लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी फर्टिलाइज़र देने से हो जाती है। मैंने बहुत दिन से कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, लेकिन आज कुछ थोड़ी सी दूंगी इस प्लांट में। जब मैं इस प्लांट को घर में लाई थी, सिर्फ एक ही प्लांट थी, लेकिन रिपोर्ट भी नहीं किया है, सिर्फ एक ही प्लांट थी। लेकिन आज मेरा जो पॉट में है, उसमें 3-4 प्लांट ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं उसको फूल खिल जाने के बाद उसको रिपोर्ट करूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ उस बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसको ग्रीन हाउस में रखना चाहिए, धूप नहीं चाहिए। लेकिन मैं जिस प्लेस में रखा था, क्योंकि मैंने केयर नहीं लिया था, उस प्लेस में थोड़ी सी धूप मिला था, इसीलिए उसका लीफ खराब हो गई है। आज मैं थोड़ी सी फर्टिलाइज़र दूंगी, कोकोपीट, और इसमें जो फर्टिलाइज़र ले रही हूँ ऑर्गेनिक खाद, वो इसमें लीफ है, ड्राई लीव्स है, लीफ है, और जो मैंने कंपोस्ट रेडी किया था उसके लिए ड्राई लीफ है। इसमें थोड़ी सी सॉइल ले रही हूँ और कोकोपीट ज़्यादा लिया है। आप इसको इंडोर भी रख सकती है और बाहर भी रख सकती है, बहुत ही इजी टू मेंटेन। और ऐसे ही आप उसको खूबसूरत एक प्लांट पा सकती है, क्योंकि कोई भी किसी प्लांट बहुत ज़्यादा केयर चाहिए, लेकिन इस प्लांट को ज़्यादा केयर नहीं चाहिए। उसका हमारे यहाँ इस प्लांट की दाम बहुत ज़्यादा है। मैं 400, सिर्फ एक ही प्लांट है, छोटा सा एक पॉट में थी, मैं नर्सरी से 400 रुपीज़ में ख़रीदा था, लेकिन उसका लीफ थोड़ी सी ख़राब हो रही है, आप देख रही है। मैंने जिस प्लेस में रखा था, थोड़ी सी एक दो घंटा धूप मिली थी, इसीलिए उसका लीफ खराब हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ज़्यादा सीजनेबल फ्लावर के साथ मैंने टाइम देने से इस प्लांट को, परमानेंट प्लांट को टाइम नहीं दे पा रही थी, लेकिन मैं आज उसको केयर ले रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उस बातें और कैसे केयर ले रही। उसका लीफ को भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, स्ट्रॉन्ग प्लांट है, उसको कोई भी आज तक फंगस अटैक भी नहीं हुआ है। इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया है, मैंने फंगस पाउडर भी नहीं दिया है आज तक। ऐसे ही आप भी केयर करते रहिए, आपके गार्डन में नहीं है तो ज़रूर कलेक्ट कीजिए नर्सरी से, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती है। आज के लिए नमस्कार, फिर मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।